प्रणाम सर। जय। क्या पढ़े थे पिछले क्लास में? रोस्टो का सर, ये विकास का सिद्धांत था। सर कार्ल मार्क्स वगैरह का तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। थोड़ा बात जानना चाहिए उसमें प्लस वैल्यू। सर बोलते सर बोलते हैं अभी तक तो जुड़ी नहीं। सर कार्ल जाएं और भीड़ भाड़ से बचें। तीन बातें याद रखें, मास्क पहनकर रखें, हाथों को अच्छी तरह से नियमित तौर पर धोएं और दूसरों से 2 गज की दूरी बनाकर रखें। और हाँ, अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लें। अधिक जानकारी के लिए 1075 पर कॉल करें या www.mohsw.gov.in पर जाएं। बड़ा हाँ ज्वाइन करो। श्वेता को बोल रहे हैं सर। मां सत्य होगा। ये खराबी करेंगे। सर गुजराओ
रैग्नारोक संतुलित विकास मॉडल किसने दिया? संतुलित विकास नेल से। दे दिए हैं? अरे पी ली है दवाई, रात में देना। Wagner Nerks संतुलित विकास मॉडल। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर। एकदम धीरे था सर। म्यूट करो, सब लोग म्यूट करो। तो संतुलित विकास मॉडल Wagner Nerks आ रही है आवाज? जी सर आवाज जी सर आ रही। और संतुलित विकास मॉडल हर्षमान। Wagner Nerks का कहना है संतुलित विकास होना चाहिए। कृषि तथा उद्योग में एक समान दृष्टिकोण से इन्वेस्ट करना चाहिए। व्याख्याता इंटरव्यू में पूछेगा कि संतुलित विकास मॉडल किसे कहते हैं और किसने दिया है, तो बताना है कि संतुलित विकास मॉडल हर्षमान ने दिया है। Wagner Nerks ने दिया है जी सर। और बहुत सारे अर्थशास्त्री इनका सपोर्ट किए हैं, जिसमें आर्थर लेविस है, निल्सन है, सब लोग इनको सपोर्ट किया। Wagner Nerks का कहना है कि पूंजी जो भी हमारे पास है उसको कृषि में, उद्योग में समान रूप से बांटा जाना चाहिए। बृहद उद्योग, मध्यम उद्योग, लघु उद्योग, सभी को मिलना चाहिए।
एक तरह से पूंजी को अर्थव्यवस्था में छींट देना है। छींट देने से सब जगह चला जाएगा पूंजी। छींट देना पूंजी को छींट देना। रैग्नर नर्क्स ने दो भाग में बांट दिया। डीपीए का मतलब हो गया डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी, लोहा इस्पात उद्योग।
एसओसी का मतलब हो गया सोशल ओवरहेड कैपिटल। नर्स कहते हैं कि दोनों को एक समान देना चाहिए। एक समान क्या देना चाहिए? पूंजी। पूंजी छीटने का बात बोले थे ना, पूंजी छीटना तो बोला कि पूंजी छीटना होगा तो ए से अर्थव्यवस्था बी बन जाएगी। आइसोक्वांट Q1 है, Q2 है, Q3। है मनीषा ए से बी, बी से सी। दोनों को पूंजी बांटता चला जाएगा। इसका नाम हो गया संतुलित विकास। पूंजी को छीटने को कहते हैं अंग्रेजी में सिंक्रोनाइजेशन। टर्म लिख लो, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ कैपिटल। हिंदी में ही लिख लो, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ कैपिटल। सिंक्रोनाइज करना माने छीटना। क्लियर है? यस सर।
असंतुलित विकास मॉडल में हर्षवर्धन कहते हैं जी को पहले डीपीए में डालो, एसओसी को एसओसी को स्थिर रखो। और इससे सम उत्पाद वक्र Q1 से Q2 पर अर्थव्यवस्था प्रस्थान कर जाएगी। तब फिर एसओसी में पूंजी डाला जाएगा। या तब तक होगा जब अर्थव्यवस्था ए से बी पर पहुंच जाए। अर्थव्यवस्था ए से बी पर पहुंच गए शुरू करना है किससे? बीपीए आज जब पहुंच जाएंगे Q1 से Q2 पर तब सोशल ओवरहेड कैपिटल में सोशल ओवरहेड कैपिटल में डालेंगे। असंतुलित विकास मॉडल होगा। संतुलित बता दिए हैं, वो इस पर मौजूद है। ए से बी और बी से सी,
ये संतुलित है। अब कह रहा है ये रास्ते आपको नहीं जाना है, जाओ यहाँ से, तुम जाओ यहाँ से अभी जब तक क्लास होगा, जाओ यहाँ से। हम लोग को पहले डीपीए को बढ़ाना है, चित्र मिटा दिए एसओसी पर पड़ गया, डीपीए को बढ़ाए। और ए से बी वन पर पहुंचने पर आईसो क्वांट क्यू वन से हो गया क्यू टू, संतुलित वाला इसमें भी रहेगा नजर, संतुलित संतुलित विकास मॉडल रहता तो ए से बी पर जाता, ठीक है कि नहीं? ए से बी पर नहीं जाइए, ए से जाइए बी वन पर, बी वन पर। और जब ए से बी वन पर पहुंच गए तब स्टॉप कर दीजिए डीपीए पर खर्चा, अब एसओसी पे करेंगे, और खर्चा एसओसी पर कीजिए। और ए से बी वन, बी वन से बी पर आ गए, ए से बी पर संतुलित में जाते
दोनों पर लगाना होता, असंतुलित में गए तो सारा पैसा लगाए डीपीए पर, भारतवर्ष में यही किया गया था, बोकारो स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, सलेम स्टील प्लांट, सब जगह स्टील प्लांट लगा दिए, और न उतना सड़क था, न उतना रेल था, न उतना बिजली था, जब ए से बी पर आ गए तो बराबर हो गया, संतुलित से आते तो भी ए से बी पर आते, और संतुलित में आए तो भी हम लोग बी पर पहुंच गए। बी पर पहुंचने के बाद तब फिर जो है ये चलना शुरू होगा बीपीए पर, और पहुंच जाएगा सी वन पर। सी वन पहुंचने के बाद बीपीए पर स्टॉप कर देगा, फिर खर्चा एसओसी पर करेगा, खर्चा सड़क रेल बिजली पर, पर आ गए। इसी को कहेंगे असंतुलित विकास मॉडल, आया डीपीए। स्थगन रखेंगे एसओसी, स्थगन कर देंगे एसओसी को, पूरा जोर लगा देंगे पीपीए पर, पीपीए पर। क्लियर है बात? ए से बी पे जाने के बाद फिर एसओसी में इन्वेस्ट होगा ना? हाँ, उधर जब हो गया ए से बी वन पे ना। हाँ, ए से बी वन पे, ए से बी वन पर चले गए, पहुंचा दिए ना, हायर आईएसओ क्वांट पर पहुंच गई जी सर। हायर आईएसओ क्वांट पर पहुंचा देने के बाद तब उसको स्थगन वाले को फिर खोलेगा।
फिर जो बचा पूंजी होगा इधर बी पे इन्वेस्ट करेगा, बी वन से अब इधर इन्वेस्ट करेगा और रहेगा क्यू टू पर ही। बी वन से बी पे आएगा सर, फिर बी से सी वन पे जाएगा, फिर सर सी पे आएगा, सी वन पर जाएगा जी, फिर सी वन से सी पे C1 से C3 सतत चलता जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना से 12वीं पंचवर्षीय योजना तक चलता रहेगा। तो इसी को असंतुलित विकास होगा भाया DPA। क्या बोलेंगे उसको? सर इस चित्र को क्या बोलेंगे? अब इसी चीज को आप लोग असंतुलित विकास भाया SOC देंगे। चित्र उतार लिए? जी सर।
सर लगता है कहीं चले जाएंगे सर, बात कर रहे फोन पे फोन में। मनीषा दी कहाँ गई? मनीषा दी अच्छा है आप बेटी सो गई? समीधा तो देख रही है, जगी हुई है भाई, ग्राफ समझने का कोशिश कर रही है बहुत टफ है ये टॉपिक, उसको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इसलिए कंसंट्रेट होकर समझ गई है शांत बनी हुई है। कहाँ से दिखाइए समीधा को, समीधा को दिखाइए, दिख रही है समीधा? हाय बाबू, बाबू तो पढ़ाई करने में लगी हुई, पैर नहीं दुखता मेरे शादी, पैर पे रखे रखे परेशान हो जाती है, पैर चढ़ जाता है बस। हाँ अर्थशास्त्री बनेगी सही बात है, तभी से अर्थशास्त्री बनेगी, फर्स्ट वाले बच्चे पीएचडी कर लिया हम लोग सेकंड वाले अब कोचिंग पढ़ पढ़ के अर्थशास्त्री बनेंगे, फर्स्ट वाला पीआरटी निकाला निकाली, हां सही सही कह रहे हैं बात कर रही, सही बोल रहे तथा पीएचडी के लिए ट्राई कर रही है कि नहीं? तथा पीएचडी कर रही है, नेट क्वालिफाई है, नेट क्वालिफाई तो पता था क्या, एडमिशन ले लिए पीएचडी में? कोर्स वर्क ले लिए, कोर्स वर्क हो गया, ये बीएन मंडल यूनिवर्सिटी, ये मेरा यूनिवर्सिटी जो है बीएन मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा, सही है, हम सोच रहे थे पता नहीं एडमिशन, एडमिशन हो गया अभी, अभी अब थीसिस स्टार्ट नहीं किए हैं लिखना, मतलब मटेरियल से कलेक्ट कर रहे हैं, अरे काम कर रहे हैं अभी है, गाइड गाइड कैसे गाइड हमारे पीसी सर आरकेपी रमन सर सही हैं, सपोर्टिंग हैं बहुत, उन्हीं के गाइड से यहां तक पहुंचे हैं मेरे सर हैं, नहीं अच्छे टीचर मिल जाते तो भाई टाइम भी नहीं लगता, सही टाइम पे आपका काम भी हो जाता है, तो क्या छोटी पहले यही थी सर, शुरू से इन्हीं से पढ़े हैं यही सर से, अब डीसी बन गए हैं, पहले प्रोफेसर थे फिर ग्रेजुएट, बहुत सारा सारा पोस्ट के बाद अब प्रमोशन है धीरे धीरे, और क्या, बहुत अच्छे सर हैं। नेट के लिए क्या क्लास क्लास कर रही थी क्या, कहीं तैयारी कर रही थी? नहीं नहीं कहीं कहीं कुछ तैयारी नहीं, यही मेरा पीजी हुआ फाइनल तो नेट का फॉर्म, ये सही रहता है यार, लगे हुए रहिए साथ में तो, हाँ लगे हुए साथ ही हो गया है, छोड़ देने पे ना दिक्कत हो जाता, हाँ सब करंट पढ़ा हुआ था ही मेरा, तो एग्जाम ये तो हो गया, घर वालों का प्रेशर नहीं शादी ब्याह के लिए इसलिए और ज्यादा रहता फ्री रहता ना तो सही, हाँ ये चीज है, बहुत मेहनत लगता है इतना थेसिस लिखने में, अरे अब तो इतना सारा रोल है फिर लिखने के बाद, बहुत ज्यादा है, नो प्रिंटिंग टेस्ट है, कोई चीज कॉपी भी नहीं किया सकता है, पहले तो लोग कॉपी वॉपी भी करते हैं, अभी तो टीचर इतना दौड़ाते हैं देखिएगा ना, ये लिख के ले आई वो गलत है, कॉपी कर सकती हो करोगे ना तो नहीं होता है, कहते हैं ना नकल के लिए भी अकल चाहिए, वही बात करते जो मेरा, जो मेरा टॉपिक है ना इसमें दिक्कत नहीं है हमको, इस पे हमारा काम किया हुआ है, क्या चीज डाली है ये मेरा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में औषधीय खेती की भूमिका मधेपुरा जिला के संदर्भ में,
पूरा जिला पकड़ के अपना बैठ गए विचार मेरे पापा इस क्षेत्र में काफी आगे बढ़े हुए हैं, इसलिए हमारे पास बैकग्राउंड है इसका। अच्छा अच्छा तो अच्छा ही है, मटेरियल वगैरह भी मिलता है। मैं जानती हूँ बहुत चीज है मेरे पास। टीचर लोग भागेंगे जब देंगे ना आप कलेक्ट करके कि सर ये है उसको बोलो, फिर कलेक्ट करने में छाटे में बहुत टाइम लगाते हैं। अभी आना तो 10 दिन बाद कॉल करना, अभी हम बाहर हैं, ये सब होता है। स्टूडेंट तो अपना लगे ही रहते हैं। हमारी सर को थोड़ा सा भी है क्या, सो संस्कार बन गए, उनके पास समय कम मिलता है। सब समय कम होगा, देखना फिर समय वही प्रॉब्लम, फिर नहीं तो लास्ट में वही करेंगे किसी और के अंडर में बोलेंगे कि आप वहां से। नहीं वही करेंगे, नहीं हमारा हो जाएगा, मेरे सर करवाएंगे। इस क्षेत्र में एसओसी जी एसओसी पे इन्वेस्ट किया जाता है। ऐसे इन्वेस्ट किया एसओसी पर, ऐसे धीरे धीरे पहुंच गया B2 पर, B2 पर पहुंचा तो Q1 से Q2 हो गया, आइसोक्वांट Q1 से हो गया Q2
उसके बाद स्थगन जो है डीपीए का हटा दिया, जो बच रहा है उसको लगाया डीपीए में। जब डीपीए में वापस पैसा लगाना शुरू किया, विनियोग करना शुरू किया पूंजी को, बी टू से धीरे धीरे डी पर पहुंच गया। बीपीएम पैसा लगाया सर, बी टू से बी पे पहुंच गया, फिर बी से पहुंच गया तो हायर कार पर आ गया, क्यू वन से क्यू टू पहुंच गया। चाहे डायरेक्ट चाहे संतुलित विकास मॉडल से हो या संतुलित विकास मॉडल से हो, पहुंच गया बी पर, ए से बी पर, फिर बी से एसओसी के माध्यम से आया, पूंजी को लगाएगा एसओसी में, लगाते जाएगा क्यू टू से क्यू थ्री पर पहुंच गया, पॉइंट है सी टू। बी पॉइंट पर फिर एसओसी में पूंजी लगाया और सी टू पर जब पहुंच गया तो एसओसी पर पूंजी को जो लगा रहा था केवल एसओसी पर उसको रोक करके पूंजी का प्रतिस्थापन करने लगा, किसके लिए? डीपीए के लिए। पूंजी को प्रतिस्थापित किया डीपीए। और जैसे डीपीए में प्रतिस्थापित किया तो सी टू से धीरे धीरे पहुंच जाएगा सी पर। तो उससे अब हम लोग पाते हैं कि ए से बी टू पर, बी टू से बी पर, बी से सी टू पर, सी टू से सी पर, ये जो विकास मॉडल है असंतुलित विकास मॉडल। संतुलित विकास मॉडल भाया एसओसी स्थगन डीपीए से हम वही पाते हैं जो संतुलित विकास मॉडल। अश्वन का कहना है कि इसकी सफलता बहुत ज्यादा होगी क्योंकि सोच समझ कर एगो को स्थगन किया गया, दूसरे पर खर्च किया गया। हर्षमन का कहना है कि इससे क्या सफलता ज्यादा मिलेगी। एगो को स्थगन कर दिया गया, दूसरे पर पूरा ध्यान दिया गया, सड़क बिजली डैम ये सब जब तैयार हो गया तब तो वापस जो है लोहा उद्योग स्थापित करेगा। वापस लोहा उद्योग को स्थापित करेगा फिर ए से बी टू पर, बी टू से बी पर, बी से सी टू पर, सी टू से सी पर। आईसो क्वांट क्यू वन से क्यू टू, क्यू टू से क्यू थ्री। मतलब सर इसमें इन्वेस्टमेंट करता है तो पहले एक पे ही पूरी तरह से करता है, डीपीए पे करता है तो एसओसी को स्थगन करता है, और जब एसओसी पे करता है तो डीपीए को स्थगन करता है। इसलिए ए से बी पे जाता है तो यहाँ डीपीए का स्थगन किया हुआ है, एसओसी पे इन्वेस्ट करता है, फिर बी टू से बी पे जाता है तो फिर डीपीए पे इन्वेस्ट करता है, एसओसी को स्थगन करता है, फिर बी से सी टू पे जाता है तो डीपीए स्थगन होता है, एसओसी पे इन्वेस्ट करता है,
फिर सी टू से सी पे जाता है तो डीपीएफ इन्वेस्ट करता है, सीसी का स्टेन करता है। करेक्ट आंसर, करेक्ट, समझ गए सर। और अल्टीमेटली एबीसी इसमें भी है, एबीसी उसमें भी है। जी लेकिन उस संतुलित विकास में सफलता का कम चांस है। सारा पैसा छींट दीजिएगा, कृषि होगा ना उद्योग होगा। ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन वाला होगा, किसी का ग्रोथ है नहीं होगा। इसलिए हर्षवन का मॉडल जो है ज्यादा प्रचलित हुआ और कहा गया कि संतुलित विकास मॉडल जो है वो विकसित जब हो जाएगा उसके बाद, विकसित हो जाने के बाद मेंटेन करने के लिए कर सकते। यही सर फॉरवर्ड लिंकेज बैकवर्ड लिंकेज सर यही दिए है ना हर्षमैन का ही सर। हाँ फॉरवर्ड लिंकेज बैकवर्ड लिंकेज यही हो गया फॉरवर्ड लिंकेज बैकवर्ड लिंकेज। That's all. Pranam sir.